हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी। टाइटल देख के समझ गए होंगे कि अब समय आ गया है कि लल्ला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखना शुरू करेगा, है ना। क्योंकि हम सबको ही पता है कि गेट 2025 के जो भी फॉर्म्स हैं वो ऑफिशियली शुरू हो गए हैं, और जैसे ये फॉर्म शुरू होते हैं सभी बच्चों के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है, धक 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 धक, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अभी एग्जाम के अंदर 5 से 6 महीने का ही समय है, तो ये बहुत सही समय होता है टू स्टार्ट विद द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देखेंगे, कोई भी ब्रांच का वो टॉपर रहा हो, बट उसके इंटरव्यू में उसने एक चीज बिल्कुल मेंशन किया ही होगा, द रोल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल समझाने वाला हूँ कि रोल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही नहीं, बट उसका जो प्रॉपर एनालिसिस होता है ना, ये काफी हेल्प करता है टू परफॉर्म गुड इन एग्जामिनेशन। बिकॉज जनरली ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है कि जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, वो किसी का भी हो, एस अकेडमी का हो, मेडिसी का हो, फिजिक्स वाला का हो, अन अकेडमी का हो, किसी का भी ऑनलाइन टेस्ट हो, बट वो देने के बाद जो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ती है ना, हमको वही होता है कि भाई आज से गेट बंद। बट नहीं, वो एक्चुअली एंड नहीं होता है, वही पॉइंट जो है वो शुरुआत होती है। कैसे सर? चल तुझे समझाता हूं विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जो भाषा में तो समझेगा उसी भाषा में समझाता हूं। तो दोस्त, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में, राइट? हाँ, अब सब बोलेंगे ना, हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 और बोलो। तो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वहां पे व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई भी एक प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता है, हर एक मैच में वो शून्य पे आउट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि क्या वो प्लेयर क्रिकेट खेलना ही छोड़ देगा? नहीं ना। क्यों? वो क्या करेगा, वो बिल्कुल ये देखेगा डगआउट में जाके, ड्रेसिंग रूम में जाके बार बार देखेगा कि आउट होने का रीजन क्या था, आउट होने का रीजन क्या था, और उसके बाद फिर वो उसी वीकनेस के ऊपर काम करेगा। हाँ कि ना? करेगा ना। तो वैसे ही हमको भी ये जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे ये नहीं जज करना है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं इन इनिशियल फेज। हमें ये जज करना है कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो क्या 1.5 घंटा बैठ पा रहे हैं, क्या 3 घंटा बैठ पा रहे हैं, और वहां पर जो भी क्वेश्चंस हमारे जोन में हैं, यानी जो भी क्वेश्चंस हमारे पाले में हैं, क्या उस क्वेश्चन को हमने शॉट मार के बाउंड्री के पार लगा दिया कि नहीं लगा लिया। तो ये खेल जितना एक्सटर्नली है उतना ही खेल इंटरनली है, बिकॉज 80-90% एग्जाम के अंदर कैसे परफॉर्म करना, ये बच्चा खुद अपने आप को ट्रेन करता है। इसमें कोई कोच या कोई एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट या फिर इनपुट्स हेल्प नहीं करते हैं। बट यहां पे मैं कुछ कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जो मेरे पास्ट स्टूडेंट्स या एक्सपीरियंस से ही जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली बात तो टेस्ट को, जो भी एग्जाम है, मॉक टेस्ट को देखने का नजरिया चेंज कीजिए। इसको आप ऐसे मत देखिए कि हाँ मुझे स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, हो रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर ये स्कोर्स नहीं हो रहे हैं तो इससे पहली बात तो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है, होप्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है, पढ़ाई किया है, PYQs हो रहे हैं, विच मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट वेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑफ एनी ऑफ द पब्लिकेशन, तुम्हें जज क्या करना है, तुम्हें जज ये करना है कि अगर वहां पे 15 questions पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें से अगर 10 questions तेरे पाले में है, यानी कि 10 questions तेरे जोन में थे, तो वो 10 में से तेरे कितने सही हुए। समझा क्या? इट इज समथिंग लाइक कि मेरे पास 20 ओवर हैं, यानी कि मेरे पास इन टोटल 120 गेंदे हैं, ये 120 गेंद में से अगर मेरे पास 60 गेंद मेरे पाले में हैं, 60 गेंद के ऊपर मैं चौका या छक्का लगा सकता था, तो मुझे अब ये जज करना है कि वो 60 में से कितनी दफा मैं चौका छक्का मार पाया। गॉट द कंसेप्ट? आई होप यस। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर भी हमारा मेजर पर्पस क्या होगा कि अगर मेरे पास 15 questions हैं, तो वो 15 में से अगर 10 में जो मेरे को लगता है कि मेरे को आने चाहिए थे, मैंने वो पढ़ा हुआ था, ये कंसेप्ट सिमिलर था जो कंसेप्ट पूछा गया था इन PYQ, तो दोस्त वो 10 question में से तेरे मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए थे। बिकॉज गेट में एक अच्छा IIT या एक अच्छा PSU लाने के लिए तेरे को कोई भी ब्रांच में बिलोंग करता हो, मेरा ये मानना है 50% के आसपास मार्क्स आते हैं।
तो मेजर पर्पस क्या है हमारा कि जब भी हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिखें, हमारा पहला बेंचमार्क है कि हमें 50% के बेंचमार्क तक पहुंचना है। सही क्या? इसके अंदर आपको मैं एक टेबुलेशन मेथड दिखा रहा हूं विच यू कैन यूज टू एनालाइज योर टेस्ट। इसमें करना क्या है, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, मैं एक अभी बता रहा हूं आपको। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है ना, उसके लिए वो अलग से ही एक बुक परचेज करते हैं। ठीक है, अब बुक में क्या करते हैं, वो लोग हर एक पेज के अंदर जो भी एंडिंग जोन है, यानी कि जब पेज खत्म हो रहा होता है, तो पूरे पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ देते हैं हर एक पेज के कॉर्नर में। उसमें करते क्या है, वो सॉल्यूशन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं वहीं पे, और जो 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ी हुई है वहां कुछ भी नहीं लिखते हैं वो लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही टेस्ट खत्म होगा, स्कोर आएगा, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, और फिर तुरंत बाद क्या करेंगे, उसका करेंगे पोस्टमार्टम। यानी कि क्या देखेंगे, हर एक क्वेश्चन चेक करेंगे क्या सही है गलत है, और वहां पे ही लिखते जाएंगे रिमार्क्स के अंदर, क्वेश्चन सही है तो चलो आगे बढ़ो, गलत है तो देखो कि वो गलत हुआ क्यों, अगर छोड़ दिया है तो ये चेक करो कि भाई छोड़ दिया था तो क्या वो कंसेप्ट नया था या उस समय पे कंसेप्ट क्लिक नहीं हुआ। आई होप आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो रहे होंगे कि जब भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंप्लीट करोगे, आपके पास 3 ही कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, एक जो आपने अटेम्प्ट किए और सही हो गए, दूसरे जो आपने अटेम्प्ट किए बट गलत हो गए, और तीसरे आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। सो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट आपके एनालिसिस के अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर कट लिखी हुई होनी चाहिए कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस से 7 क्वेश्चंस जो थे अटेम्प्ट किए सही हो गए, 3 अटेम्प्ट किए गलत हो गए, और 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। आई होप ये बात क्लियर है, और ये करना है पोस्ट ईच एंड एवरी टेस्ट, बिकॉज हर एक टॉपर यही बोलेगा, 1.5 घंटे का टेस्ट होता है ना पेपर, वो 1.5 घंटे का पेपर एनालिसिस करने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है, वही होता है प्रॉपर एनालिसिस। सो आई रियली होप यू गॉट द पहला ट्रिक एंड टेक्निक। क्या करना है, अलग से ही एक आपको बुक मेंटेन करना है, उसी बुक में आप टेस्ट लिखते ही जाओगे, वहां ही सॉल्यूशन कर रहे हो और लाइन बाय लाइन करते जा रहे हो, जो क्वेश्चन वहां भी नहीं हो रहा है उसके लिए आपने छोड़ दिए हैं 3-4-5 लाइंस छोड़ दी है जो आपसे नहीं होगा एट दैट टाइम, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर सबमिट करते हो, जो भी आपका होता है एनालिसिस, न्यू कंसेप्ट, अदरवाइज गलती हो गया, वो सब आप रिमार्क में लिखते जा रहे हो, वो जो 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ा है उसके अंदर। ये है वन ऑफ द टेक्निक्स कि आप बुक में ही सब कुछ लिखते जा रहे हो। दूसरा ये है कि जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हुआ, आपने अगेन एक किताब के अंदर ही लिखा हुआ है, अब किताब के एंड में वो टेस्ट खत्म होने के बाद आपके जो पेपर है यानी बुक है, बुक में एक पेज में बनेगा ऐसा वाला टेबल, यहां पे आ जाएगा हर एक क्वेश्चन का नंबर और साथ में वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का था, और अगर आप लोग डिफाइन कर पा रहे हो कि वो कौन से टॉपिक का था तो वो भी यहां पे डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि अगर आप जब यहां कर रहे हो एनालिसिस और यहां दिख रहा है आपको कि चैप्टर नंबर 5 जो है ना, ये चैप्टर नंबर 5 जो है, नेम कुछ भी हो सकता है, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर सर मैक्सिमम मेरे रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चंस, व्हिच मींस यू विल कम टू नो कि मेरा चैप्टर नंबर 5 वीक है। व्हाट द कॉन्सेप्ट? और अगर यहां पे आपके चैप्टर 5, 6 और 2 में गलतियां ज्यादा हो रही है तो आपको यह मालूम पड़ता है कि मुझे उस चैप्टर को रिविजिट करना पड़ेगा, वो चैप्टर मुझे फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। एंड ये तो हो गई बात किसके लिए, मैं वही बोल रहा हूं आपको मेजरली टाइम कहां स्पेंड करना है, जो क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने के बावजूद भी गलत हो गए हैं ना, आई थिंक आपका मेजोरिटी ऑफ टाइम वहां स्पेंड होगा, क्योंकि उसके अंदर व्हेन यू एनालाइज आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी शायद वहां पे कैलकुलेशन एरर हो गई या तो फिर आपकी कंसेप्शुअल एरर हो गई। यानी कि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो जाता है, या कई बार हड़बड़ाहट में ये होती है कि 1/√2, हमको बेहतर पता होता है कि 1/√2 जो है वो 0.7 ही होता है, बट जल्दबाजी में हम 1/√2 को 1.41 लेके सॉल्व कर लेते हैं।
या तो फिर 1 बाई टू को हम 0.4 या तो फिर 0.2 लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ 0.5। तो ये हो गई एरर्स जो आपकी कैलकुलेशन एरर्स हैं, जल्दबाजी आप करने गए और आपसे ये एरर हो गया। और दूसरा टाइप का एरर क्या होता है, बेसिकली कंसेप्चुअल एरर, यानी उसने पूछा है कि एक्स निकालो और आप क्या निकाल दोगे, वाई, सही ना। तो आपका ये दोनों एरर होने का एक मेजर रीजन है और वो ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी जब आप पेपर दे रहे हो तब आप पूरा का पूरा उस जोन में नहीं हो, आप पूरा का पूरा उस समय पे एग्जाम के जोन में नहीं हो। अब सर ये क्या होता है एग्जाम का जोन, तो मेरी बात सुन, जितने भी टॉपर्स यहां से निकले हैं ना, उनका एक चीज कॉमन रहा है, जब भी वो एग्जाम देते हैं ना, आइधर वो मॉक टेस्ट हो या तो फिर गेट का एग्जाम हो, दे कैप्ट ऑन टॉकिंग विथ देमसेल्व्स, वो अपने आप से बातें करते थे। यानी ये क्या होता है, ये होता है कि आपने शायद सुना होगा वीरेंद्र सहवाग का नाम, और ये भी पता होगा कि वीरेंद्र सहवाग जब भी क्रिकेट में बैटिंग करने जाते हैं तो गाना गुनगुनाते हैं, सुना है क्या? हाँ, अगर सुना है तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस, कि जब तू एग्जाम अटेम्प्ट करेगा, वो मॉक टेस्ट हो या तो फिर आपका गेट का एग्जाम हो, कीप टॉकिंग विथ योर सेल्फ। अच्छा, ये देके रखा है, फोर्स देके रखा है, डिस्प्लेसमेंट देके रखा है, अच्छा मुझे प्रेशर निकालना है, ओ प्रेशर के अंदर भी खेल गया, यूनिट्स तो ये होते हैं, उसको ये चाहिए, कीप टॉकिंग विथ योर सेल्फ। Whenever you keep talking with yourself, which means you are involved, your brain is also involved and presence of mind है, तो ऐसी गलतियां हो रही है, calculation mistakes हो रहे हैं, या तो फिर आपका conceptual error हो रहा है, तो बेहतर मेरा एक ही suggestion होगा कि तू अपने आप से बात करना शुरू कर, and कहीं ना कहीं ये भी लिखना शुरू कर कि चीजें क्या क्या दे के रखी है और क्या निकालना है। ये आई थिंक बहुत ही बेसिक एडवाइस हमको स्कूल लेवल से ही दी जाती है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ये एक्सट्रैक्ट करना है कि क्या चीजें देके रखी है और क्या चीज निकालना है। तो सबसे पहला टारगेट आप सबका यही होना चाहिए कि व्हेन यू अटेम्प्ट द टेस्ट, टेस्ट होने के बाद तुम्हें उसमें से वो सभी क्वेश्चन को निकाल लेना है जो सभी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट तो किए हैं बट गलत हो गए हैं, और उसके अंदर चाहिए मुझे आपसे प्रॉपर एनालिसिस कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ, यहाँ पे कंसेप्शुअल एरर हुआ, यहाँ यूनिट कन्वर्जन में एरर हुआ, और यहाँ सर मैं ही बेध्यान हो गया। बिकॉज कई बार मेरे साथ भी होता है, अगर कोई क्वेश्चन मेरे जोन में होता है ना, उसी समय पे गलती होने का चांस भी ज्यादा होता है। इट इज जस्ट लाइक कि कई बार वो शॉट खेलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है ना, और वो शॉट खेलने के अंदर ही आउट होते हैं। वैसा ही होता है कि जब ऐसा होता है कि मुझे वो टॉपिक बहुत ही पसंद है तो मैं थोड़ा बहुत कैजुअल हो जाता हूँ, है ना। तो नहीं, हमें कैजुअल बिल्कुल नहीं होना है, और हर एक क्वेश्चन को हमें देखना है जस्ट लाइक अ न्यू गेंद। ये नया गेंद आया है, हर एक क्वेश्चन जो भी नया आएगा उसको हमको देखना है कि एक नया गेंद आया है, चलो अटैक करो या डिफेंस करो। आई रियली होप कि मेरी बातें समझ पा रहे हो। और सर एट दी एंड आपने ये तो बिल्कुल नहीं बताया कि व्हाट अबाउट ऐसे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअली नए थे। तो बेटा वो सभी कंसेप्ट्स के अंदर हो सकता है कि इक्वेशन नया हो, कंसेप्ट नया हो, टॉपिक नया हो सकता है कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो ईएससी के आ जाते हैं इन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो सिलेबस में ना भी हो गेट के अंदर, फिर भी माई एडवाइस वुड बी कि एटलीस्ट राइट दैट इक्वेशन इन योर एनालिसिस, write that formula into your analysis, write that concept in your analysis, because my advice would be कि जैसे ही ये सब खत्म होता है एक टेस्ट के अंदर, अगर सपोज वो सब्जेक्ट ए का फुल लेंथ टेस्ट था, अब जब तू मिड सब्जेक्ट भी देगा, मिक्स सब्जेक्ट देगा, या फुल सब्जेक्ट या फुल लेंथ देगा, तेरी जो नोट तूने बनाई है जहां हर एक टेस्ट के बाद ये एनालिसिस है, ये तू हर बार देखेगा। आई होप यू समझ पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा है तो वीडियो को वापस से देखना कि क्या समझा रहा हूं मैं तुम्हें। हर एक टेस्ट के बाद तुम खुद सोचो कि तुमने हर एक टेस्ट के बाद अगर ये एनालिसिस किया होगा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इन दैट सब्जेक्ट।
तुम्हें पता है तुम्हारा स्ट्रांग जोन क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा वीक जोन क्या है, और तुम उसके लिए कर भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, और सिर्फ टेस्ट देने के लिए नहीं दे रहे हो, अपने आप को जज कर रहे हो। सो आई रियली होप कि यू गॉट द कंसेप्ट, और ये टेक्निक आई रियली होप बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही हेल्पफुल रहा है इन पास्ट ईयर्स। तो आई रियली होप यू हैव ऑल्सो एंजॉयड दिस, एंड आई रियली होप कि आप भी अपनी एग्जाम के बाद, सबसे पहली बात तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। अगर 50 में से 2 मार्क्स भी आ रहे हैं, 50 में से 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, और 50 में से 32 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, आई वॉन्ट यू टू डू दिस एनालिसिस। और अगर ये करने के बाद भी टेस्ट रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपको ऐसा हो रहा है कि अभी भी सर मैं कुछ लैग कर रहा हूं, फोकस नहीं आ रहा है, तो डू कमेंट एंड वी माइट मीट अगेन, और आई ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर टेक्निक्स। बट सिंसियरली डू फॉलो दिस। अगर आपने एंजॉय किया है इस वीडियो को तो लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, एंड शेयर विथ ऑल दोस गेस्ट ग्रेट एस्पिरेंट्स जो कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हर रोज से होप हार रहे हैं कि नहीं मेरे से अब गेट नहीं होगा। गेट इज एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट द थिंग इज कि ही और शी मस्ट बी फाइटिंग टिल एंड। तो आई रियली होप कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एंड तक लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और कहीं ना कहीं 2025 में विल क्रैक दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।